अरे यार क्या हुआ आज? फिर तुम आ गए मच्छर लाल? मैडम, ये दांत में बहुत ज्यादा दर्द है, कुछ करो इसका। ओहो, ये तो निकालना पड़ेगा। ठीक है मैडम, निकाल दो। कितने का खर्चा आएगा 200 रुपए लगेंगे। मैडम? 200 रुपए तो नहीं है मेरे पास, 50 रुपए ले लो, ढीला कर दो, निकाल मैं खुद लूंगा। निकल यहां से, निकल, कोई दांत नहीं निकलेगा यहां पे। मैडम को क्या हो गया? आ जाते हैं पता नहीं कहां कहां से। कहाँ चली सवारी? ए, हमको तो टोकने ओकने की हिम्मत ना कर देना। हम मजाक मूड में है नहीं, कहे कि तुम तो हमेशा रहते हो खोपड़ा फाड़ देंगे, चिल्लाते रह जाओगे। जा रहे पावर हाउस में बम फोड़ के आएंगे, यहाँ बत्ती आ नहीं रही। आईपीएल पूरा चल रहा, शुरुआत से खत्म होने वाला हो गया, शुरुआत से खत्म होने वाला हो गया। एक मैच नहीं देखा अब तक। जब बम की आवाज सुनाई पड़ेगी ना, दिल दहल जाएगा आज देखना। ए, कौन सा बम दगाने जा रहे हो? परमाणु बम दगाने जा रहे हैं, चौबे की दुकान से लेके आ रहे हैं। जाओ बताओ जाके जिसको बताना है। शकल देखो, परमाणु बम दगाई है। चाची अब हमसे डब के रहती हैं, कल अभी 2 कंटाप मारे थे। हाँ तो 2 कंटाप मारे तो 10 खाए भी तो होंगे। हाँ तो झगड़ा होएगा तो वो भी मारेंगे। अरे कुछ नहीं चाचा, हम सब जाने। ये जब तक चाची 2 मार पा रहा, चाची इनके 10 मार लेती। इनके गाल लाल कर देती। आउट हो चाची देती इनका खटियम बांध, और फिर उसके बाद ना कलची ना बेलन तो सब बराबर हो जाते इनके लिए। ऐसा कुछ नहीं, सब पुरानी बातें। झूठ कुछ नहीं भैया, अपना स्केच बनवाना था मैंने। जाओ सामने स्टाइल बना के खड़े जाओ, बनाता हूँ। ओके भैया। लीजिए मैडम, स्केच तैयार है। ये तो बहुत ही खूबसूरत है। रियल में आप इससे भी ज्यादा खूबसूरत हैं। उठो उठो मैडम, उठो, स्केच तैयार है, लो ये देखो। मैं ऐसे दिखती हूँ क्या? आप इससे भी बुरी दिखती हैं। चुपचाप पैसे दो और निकलो। गुड मॉर्निंग। मुझसे बात मत करो। क्या हो भी गया? रात कितनी पी कर आए थे, कैसी कैसी हरकतें कर रहे थे, तुम्हारे शूज मैंने उतारे, तुम मुझे गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। गंदी गंदी गालियां? हाँ गंदी गंदी गालियां, बहुत गंदी गंदी गालियां। सुनने के लिए पैदा नहीं हो, तुम्हें जान से मार दूंगी, बता रही हूँ, सर फोड़ दूंगी तुम्हारा। जान से मार दोगी? कुछ समझ नहीं पा रहे हैं हम। तुम्हें एक को चुनना होगा, या तो शराब को या मुझे। तुम्हें एक को तो छोड़ना ही होगा। जाओ, छोड़ दिया। सच सच सच? हाँ जाओ, तुम्हें छोड़ दिया। जाके देखना कभी स्टेडियम में, हमको जाने कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे ज्यादा मैच का भूत चढ़ा, तुम्हें ही जाओ। मैच का भूत? जानते हो मैच का भूत क्या होता है? क्या होता भैया? जिस दिन मुंबई इंडियंस हारे, वानखेड़े के बगल से चले जाना 3:33 पे, अंपायर नाचते दिखते हैं। ये तो बताओ कहाँ लेके जा रही हो? अरे स्केच आर्टिस्ट के पास लेके जाऊँ, तुम्हें सुंदर सा बना देगा वो। अच्छा चलो आइए आइए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? इनकी शक्ल अच्छी बना दो किसी तरह। जी ठीक है, चौकड़ा मार कर बैठ जाइए सर। चौकड़ी क्यों? ज्यादा नखरे मत करो, चुपचाप बैठ जाइए ना। हाँ बैठो। बन गई लीजिए। ये तो एलियन है। तो जब आप इसे लेकर आई थी, जब कौन सा इंसान लगता था? चुपचाप से मेरे पैसे दो और निकलो यहाँ से। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलके नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। बदतमीज कहीं का, शर्म नहीं आती, कहाँ बैठा कहाँ नहीं बैठा, कुछ भी कहीं शुरू हो जाता। हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, अमेरिकन, इंग्लिश, न्यूजीलैंडी। अरे यार शांत रहोगे दादा लोग, हम क्या बताएं, मतलब हमारे यहाँ किस तरह बिजली की टेंशन तो शहरों में रहती है, हमारे गांव में तो बिजली नहीं आती, तो हम लड़कियों का नाम सबका नाम बिजली रख देते हैं। जानू? हाँ क्या है? जानू? अरे भाई बात तो पूरी बता। तू जा रहे, मैं इसे देखता हूँ। हाँ बोल क्या है? जानू शेर सुनाओ। अच्छा शेर, लो फिर सुनो, बात मानो, दिल लगा लो हमसे। गुब्बारा फटता है तो आवाज आती है धम से। क्या था ये? क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठा है? अरे यार कल मुझे धमकी भरा खत मिला है यार। क्या लिखा था खत में? खत में लिखा था कि मेरी बीवी को छोड़ दे वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। अब मुझे डर लग रहा है। इसमें डरने की क्या बात है, छोड़ देना उसकी बीवी को। अरे यार उसमें नाम नहीं लिखा है किसने भेजा है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किसकी बीवी को छोड़ूं। क्या? छी, कैसी सब्जी बनाई है, इसमें तो नमक ही नहीं है।
हाँ सब्जी थोड़ी जल गई। क्या सब्जी थोड़ी जल गई थी? तो सब्जी जल गई थी, इससे नमक का क्या था? लू नमक क्यों नहीं डाला इसमें? मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ, हम खानदानी लोग हैं, जले हुए पर नमक नहीं छिड़कते। ए तू जा रे।